हाजरीन सारियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज इहो जिहा मुबारक मौका जिहा मिलिया सानूं, मौसम भी बड़ा वधिया हो गया ते ओकन आगन साडे कोले चल के ओकन आगन की वैली मतलब खास शहर बरनम चल के साडे कोले आ गया। उहदे परिवार दे काफ़ी सारे मैंबर पाल ढल्लों दे साडे नाल आए ने। सारियां नूं मैं जी आया कहना और मैं कई बारी जिहड़ी मुबारकबाद देण वाली गल है वो गल करदा करदा भुल जांदा, इस करके मैं सब तो पहला ही पाल नूं इस नवी किताब की आमद के उत्ते दिली मुबारकबाद पेश करदा उस दे इस सफर लई। बहुत सारियां गल्लां दर्शन गिल होनी कर गए ने। पहली गल मैं ये गल थोड़ी जी गल क्लीयर कराँ भी अज रिलीज समारोह है इस किताब नूं, सिर्फ असी मानण दी रिलीज़ मानण की खुशी लै रहे हैं। असी इत्थे गोष्ठी नहीं कर रहे, गोष्ठी दे विच तां पेपर लिखण वाले किताब दे उत्ते एक होर किताब लिख के करन भेजदे ने लेखक नूं, पर सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पेपर हुंदे ने ताकि जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी उन्होंने भी इस किताब के विषय वस्तु बारे कुछ पता लग सके। मैं अपनी गल कहन तो पहला ताकि तुहानू इस किताब की मैं गल कह रहा भी विषय वस्तु का पता लगे, एक गज़ल पाल ढिल्लों की पढ़ के फिर वो अपनी गल करांगा। वो गज़ल इस तरह भी वो अपने आप नू इस विच समाउणे दे लई आई, मैं देखी है समुंदर तीक चल के एक नदी आई, पुरानी सी तां लगदा सी नवी आवेगी कुछ चंगी, ना दिसिया फर्क कोई भी नवी जादी सदी आई। इन्हां दा अगला शेर है भी उड़ाया की बनेरे तों मैं गलती कर ली भारी, नहीं मुड़ के मेरे घर विच कदे फिर वो चिड़ी आई, नहीं मुड़ के मेरे घर विच कदे फिर वो चिड़ी आई। तो इसका अगला शेर है भी पता सब नू के खलकत नू दगा है लीडरां देना, मगर वोटां समय सोझी किसे नू भी नहीं आई। मैं उसनू घोख्या पढ़िया ते परखी चाल फिर तरिया, मेरे रस्ते च जद भी छूकदी होई नदी आई। उन्हां नू की पता, इहदा मकता गज़ल दा इस तरह भी उन्हां नू की पता नेरे च किन्ना दर्द ते मातम, जिन्हां हिस्से बिना मंगे ही ढिल्लों रोशनी आई। इस किताब दियां बहुत सारियां गज़लां बैर हज़्ज़ दे विच बन्नियां होईयां ने, जिस उस बैर च यह गज़ल सी। मेरा ख्याल है भी पांच छे बैर ज़्यादा ट्रेस होंदिया ने और बड़िया बैर इस गज़ल च ने। एक मैं गल दसदा पिछले दिन एक किताब मिली मैं देहरादून इंडिया तो, महफल गुरदीप नाम का उत्ते राइटर है, उहदियां बड़िया जिहड़ियां गज़लां सन बैर हज़्ज़ दे विच इस बैर च जिहदे च मैं पढ़िया और उस बैर च सब तो ज़्यादा गलतियां उहदियां, पर मैनूं इत्थे खुशी है ज़्यादा गज़लां पाल ढिल्लों दियां इस बैर च ने और बहर दे पक्षों ये बिल्कुल बरी हो जाता है। तो मैं पांच सत्त मिनट शायद तुहाडे लैणे, मैं इहदा नाम रख्या खन्नो तिखा सफर का आलोचनात्मक अध्ययन। इस गज़ल ते ही गल करनी है, मैं थले तुहानूं सुनाई है ताकि तुहाडे ज़हन दे विच रहे। पाल ढिल्लों हसली पुस्तक तो पहला पंज पुस्तकां प्रकाशित करा चुका है, ये छेवीं है, जिन्हां विच तीन गज़ल संग्रह ते दो काव्य संग्रह, दो चों मतलब काव्य संग्रह ते एक गीत संग्रह। इन्हां पंज पुस्तकां विच्चों कोई भी मेरियां नज़रां विच्चों गुज़रनो नहीं रही, भाव मैं सारियां ही पढ़ियां होईयां हन। हर पुस्तक दे छपण उपरंत पाल मैनूं कुछ ना कुछ लिखण लई प्रेरदा रहा, पर हर वार ही मैं टाला वटदा रहा, क्योंकि ये सारियां पुस्तकां
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖਾ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਗੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲਗੋ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਢੋਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗ ਰਿੱਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਚੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜੋ ਸਫ਼ਾ 21 ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੈਰ ਹਜ਼ਰ ਮੁਸੰਮਨ ਸਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਨਰੋਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 6 ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਸਤ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਹਾਰੀ ਹੀ ਹਰਫੇ ਰਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।